हेलो दोस्तों, मैको वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बॉस का जो ग्राइंडर है, कटर है, उसकी अनबॉक्सिंग की थी। उसके बारे में बताया था क्या इसमें जेन्युइन है, क्या इसमें फेक्स हैं। तो आज हम यहां पर आप देख सकते हो, ये कूलर का स्टैंड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा स्टैंड है। बट अभी हमने इसको छोटा करना है, मतलब कूलर नीचे रखने के लिए इस हिसाब से स्टैंड बनाना है इतनी हाइट का। इसमें हम इसको दो कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कट हो जाएगा और नीचे से भी कट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ग्राइंडर है इसको हम फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको करते हैं फिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसकी वॉशर जो है, इसको हमने खोलना है। तो ये कैसे खुलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे इसका बटन लगा है। इस बटन को आपने ऐसे प्रेस करना है और ये जो है ये वॉशर, ये खुल जाएगी। प्रेस करके रखना है, ये खुल जाएगी। और उसके बाद ये देखिए, ये जो कटर है दोस्तों, ये है आयरन को कट करने के, लोहे को कट करने के लिए, मेटल को। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह लगाना है, जो ये वाला हिस्सा है जिसमें प्रिंट है वो अंदर की तरफ, इस तरह से, ये इस तरह से इसमें फिट हो गया। अब जो ये वाला है इसका क्लैंप, इसको हमने जो ये वाला हिस्सा अंदर, जो ये वाला है ये बाहर को, ये अंदर नहीं करना है, ये बाहर को इस तरह से लगाना है, इस तरह यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, अभी ये टाइट नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ पर तो आपको लग रहा टाइट हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो आपने क्या करना है, इसको दबा के, ये पीछे से बटन को ऐसे दबा के रखना है, और ये जो क्लैंप है, ये वाला क्लैंप, इससे इसको ऐसे कस देना है। ये देखिए, ये बटन है, इस बटन को दबा के रखना है और इससे ऐसे कस देना है। तो दोस्तों, अभी ये पूरी तरह से टाइट हो चुका है। और अभी हमने सेफ्टी भी यूज करनी है दोस्तों, इसको डायरेक्ट नहीं चलाना है, जो इसमें सेफ्टी गार्ड दे रखा है आपने उसको भी यूज करना है, ये जो सेफ्टी गार्ड है। तो दोस्तों, अब ये जो है हमारा गार्ड, इसको हम यहाँ से ढीला करेंगे पहले। अब इसमें हम इसको फिट कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले यही फिट करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये चीज लगानी पड़ेगी। दोस्तों, इस तरह से हमने ये, दोस्तों इस तरह से हमने ये फिट कर देना है। और उसके बाद जो ये बोल्ट है, इसको हम टाइट कर देंगे, बिल्कुल सामने होना चाहिए ताकि जो कटर है आपका इसके साथ अटैच रहे। जब भी कटर कई बार ब्रेक होता है तो आपके ऊपर आपके एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। तो आइए इसमें आप ब्लेड फिट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि अब हमने ये पूरा फिट कर दिया है, गार्ड भी इसमें लग गया है। और एक तरफ से हम ये जो है इसका हैंडल है, थोड़ा सा सपोर्ट के लिए ये हम लगा देते हैं, ताकि यहाँ से इसमें ये फिट कर देंगे। ये हैंडलिंग के लिए, इजीली पकड़ने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब कट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डबल थाइस से, तो हमने ये चारों साइड से इसको कट कर दिया। काफ़ी मोटी पाइप होती है इसकी, फिर भी कट हो गई है। तो हमारे हिसाब से 5 में से तो 5 रेटिंग देंगे इसको, क्योंकि ईजिली कट कर रहा है, कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। तो हमारी तरफ से तो बेस्ट है ये ग्राइंडर, अगर किसी ने लेना हो तो बॉस का ही लीजिए, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।